बंधु थप्पड़ इज नथिंग, हस्बैंड्स मारते हैं कोई बात नहीं, हर कोई यहाँ पे जो आस पड़ोस में हर औरत ने सबने एक दो थप्पड़ खाए हुए हैं। लोग मुझे आके बोलते तीसरी मत करना, तुझसे पूछ के करूंगी या नहीं करूंगी, यू टू टेल मी कि मैं तीसरी करूंगी नहीं करूंगी। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई है। श्वेता ने 2 साल शादियां की लेकिन उनमें से कोई भी शादी सफल नहीं हो पाई। उन्होंने 19 साल की उम्र में एक्टर राजा चौधरी के साथ शादी रचाई थी और जल्द ही शादी के 2 साल बाद बेटी पलक का जन्म हुआ। श्वेता ने राजा पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगाए थे और शादी के 9 साल बाद दोनों अलग हो गए। जी हाँ, साल 2007 में उनका रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो गया। फिर 2013 में श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी रचाई, दोनों का एक बेटा रियान भी हुआ, लेकिन फिर भी वही डर था जो हुआ। जी हाँ, श्वेता की ये शादी भी लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई। अब एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसका उनके बच्चों पर खराब असर पड़ा था। दरअसल श्वेता ने एक इंटरव्यू के दौरान बात की और बताया अपनी बेटी पलक के बारे में। दरअसल उनकी बेटी पलक ने इतना छोटी उम्र में उन्हें पिटते हुए देखा था और पलक का ये देखना बिल्कुल सही नहीं था। जी हाँ, श्वेता ने बताया था कि पलक महज 6 साल की थी जब उन्होंने अपनी मम्मी यानी कि श्वेता को पिटते हुए देखा और तब उन्होंने अपनी शादी तोड़ने का ये कदम उठाया। श्वेता ने बताया था कि पलक ने वो ट्रॉमा देखा है, उन्होंने पुलिस को घर में आते जाते देखा है, पुलिस के पास जाते देखा है। उन्होंने अपने बेटे रियांश के बारे में भी कहा कि उनका बेटा भी काफी छोटा था और वो पुलिस और जज के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता था। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ श्वेता के साथ ही हुई और उनकी वजह से भी हुई थी। जी हाँ, उन्होंने बोला कि वो चाह कर भी ये सब चीजों से अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकती क्योंकि खुद को बचाने के लिए एक रास्ता था। श्वेता ने अपने बच्चों को बारे में बात करते हुए ये तक कहा कि उनका इन सब पर बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ा था। एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके दोनों बच्चों में दर्द छुपाने की आदत है, वो श्वेता को नहीं दिखाते कि वो काफी दुखी है। श्वेता ने यही कहा कि जब उनके पास इतना सब चल रहा था तो उनके बच्चे इतने खुश कैसे रहते थे। वेल, कभी कभी तो उन्हें ये लगा कि उनके बच्चे ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में श्वेता ने ये भी कहा था कि ये सब जो भी हुआ है उसमें उनका कोई कसूर था, लेकिन आज इस वक्त उनके बच्चे इनके साथ हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं, इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। श्वेता ने बताया कि वो उन्हें कभी नहीं कहती कि वो अपने पिता से बात ना करें, अगर उनका बच्चों का मन है तो वो अपने पिता से मिल भी सकते हैं और बात भी कर सकती है, लेकिन उनके बच्चे कभी कभी उस ट्रॉमा को याद कर इतना ज्यादा डर जाती है और मेरे पास अपनी बातें शेयर करने लगती है। वेल, इन सब के बीच में श्वेता ने अच्छी माँ साबित भी बनती हुई भी नजर आई है। जी हाँ, लेकिन इन सब के बाद दोस्तों आपको बता दें कि श्वेता ने टीवी की दुनिया में सीरियल का ही किसी रोज से कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कसौटी जिंदगी के सीजन 1 से अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई। जी हाँ, श्वेता इसमें प्रेरणा का किरदार निभाती थी जिसके बाद लोग उनके काफी पसंद करते थे और प्यार भी करते थे। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है श्वेता की पर्सनल लाइफ को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ऐसे ही चटपटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।